नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, राजस्थान बोर्ड 2020 की परीक्षाएं, क्या बिना परीक्षाएं पास करेंगे छात्रों को फर्स्ट डिवीजन के साथ? क्या परीक्षाएं का क्या टाइम टेबल होगा, उसको लेकर इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। साथियों, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हमने कभी नहीं कहा कि परीक्षाएं अप्रैल में होगी। मैंने ना ये न्यूज़ 4 दिन पहले भी बोल दिया था कि परीक्षाएं अप्रैल में नहीं होगी, लेकिन बाकी सभी यूट्यूबर चैनल ने, आपने देखा होगा कि कहा था कि टाइम टेबल आ गया है, नया टाइम टेबल आ गया है। हम केवल सत्य न्यूज़ देते हैं, वो इसी कारण आप हमसे जुड़िए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस सब्सक्राइब बटन, आपको यहाँ दिख रहा है ये रेड रेड, इस सब्सक्राइब बटन को आप जरूर दबाएँ और हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हम सत्य न्यूज़ देते हैं। जो सच है वही आपको बताएंगे, ऐसे ही वीडियो नहीं बता देंगे कि 6 अप्रैल से परीक्षा चालू है, ये है वो है। नहीं, मैंने आपको 5-6 दिन पहले बता दिया था कि अप्रैल में परीक्षाएँ नहीं होगी बोर्ड की, तो ये अब सामने आ ही गया है। अब बात करते हैं कि क्या बिना परीक्षा पास करवा सकती है क्या सरकार, और किस आधार पर परीक्षा होगी। तो साथियों, आपको मैं बता दूं कि कल रात से पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन किया गया है, यानी पूरा भारत लॉकडाउन है 14 अप्रैल तक, कोई इधर से उधर भी नहीं हो सकता है। इसी के साथ साथियों, आपके लिए खबर मैं लेकर आ ही गया हूँ कि 12वीं बोर्ड के 9 लाख छात्रों के रिजल्ट को प्रभावित करेगा कोरोना। मैं कह रहा हूँ रिजल्ट को नहीं, ये एग्जाम को भी प्रभावित करेगा। 10वीं, 5वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं की एग्जाम को भी ये प्रभावित करेगा। साथियों, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, 5वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा पास करेंगे, ये मेरा व्यक्तिगत राय है और मैं जो कहता हूँ वो सही होता है, जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख सकते हो। साथियों, 12वीं और 10वीं बोर्ड पर सरकार फिर इंतजार करेगी कि कैसे भी करके ये परीक्षाएं करवा ली जाए, लेकिन अगर फिर भी ये महामारी नहीं रुकी तो इन्हें भी सरकार को आगे बिना रिजल्ट सभी को पास करना ही होगा, क्योंकि फिर रिजल्ट आएगा ही नहीं। अगर मई के अंदर परीक्षाएं होती है तो फिर जून जुलाई के अंदर रिजल्ट आने की संभावना ही नहीं है सभी का। 12वीं में 5 लाख है, कुल मिलाकर 70-80 लाख विद्यार्थी हैं, उनकी कॉपियां भी जांच करनी बंद हो गई। आपको यहां बता दूं, आपकी जो कॉपियां थी आंसर शीट जांचने में भी देरी हो गई है अब, क्योंकि सभी को लॉकडाउन कर दिया, सब अपने घरों पर बैठे हैं, तो कोई आंसर शीट भी आपकी नहीं जांच रहा है, ना ही कोई आपका नया टाइम टेबल बनाने में लगा है। सभी के सभी अभी घर के अंदर बंद है और मेरी आपसे यही निवेदन है, आप भी अपने घरों में रहे। साथियों, हम हर बार सच न्यूज़ लेकर आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपके पास सही अपडेट मिल सके, और आप निश्चिंत रहिए, हम आपको जैसे ही कोई आपकी और अन्य अपडेट आएगी हम आपको बता देंगे।